बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो साथियों, ये मनोज वाजपेयी सर जी का ये घर है। और करे तो क्या करे, कहाँ जाऊँ मैं, तो स्टूडियो स्टूडियो घूमता रहता था। जो ये प्रॉपर्टी दिख रही है, पूरा ये जो प्लाट दिख रहा है, पूरा ये जो इधर जो भी जमीन आपको दिखाई देगी, ये पूरा मनोज वाजपेयी सर जी का और उनके खून खानदान के लोगों का ही है। साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं विनय कुमार, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। साथियों, इस समय मैं महान एक्टर, महान अभिनेता और जिनका नाम बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है स्थापित है और अपने आप में वो एक हस्ती हैं, महारथी हैं एक्टर एक्टिंग के मामले में। तो साथियों, मैं इस समय मैं मनोज वाजपेयी जो अभिनेता हैं, जिन्होंने सूल जैसी मूवी बनाने का उन्होंने काम किया और अभी भी इस उम्र में भी उन्होंने तमाम अच्छी अच्छी मूवियां देने का उन्होंने काम किया, तो मैं उनके गांव पर हूं। उनके गांव का नाम साथियों अमोल बेलवा उर्फ बेलवा कोठी के नाम पर जाना जाता है, जो बिहार के जो पश्चिमी चंपारण जो ज़िला है, तो पश्चिमी चंपारण ज़िले में ये गाँव है। जब आप उन नेट पे खोजेंगे तो अमोल बेलवा के नाम पर शो करेगा, लेकिन जब आप उनके गांव के किनारे आएंगे तो उनके गांव का नाम जो है बेलवा कोठी के नाम पर आपको दिखाई देगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए, मैं आप लोगों को उनके घर पर ले करके चलता हूं और देखते हैं कि उनका घर कैसा है, उनके घर के लोग कैसे, उनका बचपन कैसा रहा, तो सभी चीज़ों से मैं आपको अवगत कराऊँगा। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि इस समय साथियों देख सकते हैं लगभग जो है 6:45 के आसपास हो रहा है, इसमें मुझे घर भी निकलना है 150-250 किलोमीटर दूर। तो आइए चल दिए, मेरे ब्लॉग में बनी रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो साथियों, मनोज वाजपेयी सर के घर हम लोग जो है कि जा रहे हैं। ये प्यारा सा बच्चा जो है हमको रास्ता दिखलाते हुए उनके घर ले करके जा रहा है और आप देख सकते हैं इधर जिधर मैं जा रहा हूँ तो इस साइड में ये उनका जो है कि अपना बिल्डिंग है, अपना मकान है। और आइए मैं थोड़ा और नज़दीक आप लोगों को ले करके चलता हूँ, फिर दिखलाता हूँ। तो साथियों, ये कच्ची रास्ता उनके घर तक जाता है और ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है और यहाँ से ये इनका मनोज वाजपेयी सर जी का ये घर है। कोला लड़का कह रहा है, ये खेती बाड़ी उन्हीं का है, आंगन में मंदिर भी बना हुआ है, ये पूरी बिल्डिंग मनोज वाजपेयी सर जी का ही है। साथियों, आप इधर देख सकते हैं ये वाजपेयी सर जी का घर है, मनोज वाजपेयी सर जी का घर है और इधर इनका जो है फार्म वगैरह है, खेती वगैरह होती है और ये उनका बिल्डिंग है। हाँ, साथियों, ये मनोज वाजपेयी सर जी का ये घर है और मैं यहाँ इनके घर में हूँ और अभी देखते हैं माता पिता जो भी होंगे उनसे हम लोग बात करेंगे और उनके बचपन की यादों के बारे में पूछेंगे, चर्चा करेंगे। भाई साहब का है और ये भी घर मनोज वाजपेयी सर जी का ही है और उस साइड में वो जो कोठी दिख रहा है वो भी मनोज वाजपेयी सर जी का ही है। और आगे आप लोगों को ले करके चलते हैं, दिखलाते हैं इस साइड में भी जो घर बना हुआ है तो ये कोठी भी मनोज वाजपेयी सर जी का ही है। और ख़ास बात ये है कि मनोज वाजपेयी सर तीन भाई टोटल हैं और तीन भाई में से
वो एक एक्टर हैं और बाकी लोग जो है अन्य नौकरी में बिजी और व्यस्त हैं। आपके साथ में मतलब खेले वाले हैं? हम लेकर स्टेशन पर ट्रेन पकड़वाए हैं, बेतिया पढ़ते हैं पहले। अच्छा अच्छा, मतलब जब बेतिया पढ़ते थे भैया अभी बताए हैं, तो उस समय यानी कि आप लोग साथ में लेके आते जाते थे उनको? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कितने दिनों तक आप लोगों की दोस्ती रही, मतलब हमेशा? जब तक मैंने यहाँ के जब आगे ना बढ़ रही तबले तो यहाँ रहत रही, तो अच्छे रहे, व्यवहार रहे बहुत बढ़िया। तो और अभी जब आते हैं तो खैर भेंट मुलाकात वगैरह आप लोगों से मतलब हो जाती है उस तरह से? हाँ, हम लोग का वो भी चिंते हैं, हम भी चिंते हैं। तो कैसा महसूस होता है कि आपका कोई मित्र अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अगर हीरो बन गया, अभिनेता बन गया, तो कैसा आपको एहसास होता है? हमने का एहसास बहुत बड़ा होता है। खुशी। जी हाँ। जी कहाँ से कहाँ जाके पुग सही नहीं। बात है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो अच्छा, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन वगैरह है कि मान लीजिए बचपन के आप लोग मित्र रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि मतलब उन्होंने कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा एक कलाकार हूँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं? ये महानता होती है, यहाँ बहुत बड़ी महानता उनके पास है। ये अगर कभी भी आते हैं ये तो हर गांव वाले से मिलते हैं, जो भी कोई मिलने आता है उनको बुलाते हैं, जो मिलने आ रहा है उनको आने दो। अच्छा। उनके साथ जो भी बॉडीगार्ड आते हैं। अच्छा। रोकते नहीं, जो मिलने के लिए आ रहा है जो आ रहा है उसका आने दो, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, और खुद यहाँ पर वहाँ यहाँ पर उसका मन मनोज बचाई क्या यहाँ जन्म धरती है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा भीड़ होती है, इन्हीं का बाजार है वहाँ। अच्छा, जो बाजार है, जो मंदिर है, खुद ये मंदिर पे जाते हैं, पब्लिक वहाँ पहुँचती है। अच्छा, ज्यादा भीड़ हो जाता है तो वहाँ जाते हैं। दिक्कत नहीं है। चलिए, तब व्यवहार में उनके बहुत सोच अच्छी है, व्यवहार कुशल है, अच्छी है। किसी को ये नहीं चाहते, छोटे बड़े ऊँच नीचे ये सब नहीं देखते हैं, सबसे अच्छे तरह रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, सब आदमी के बराबर बोलते हैं। तो आपके अपने साथी के बारे में और कुछ कहना है? और काफी कॉल जाए हमने के उम्र उनकी अच्छे बढ़िया बचपना मतलब जो बीता आप लोगों के साथ में लंगोटिया यार के तौर पे, तो सब ठीक बा, हमने के कोनो टेंशन बात नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप लोग वहीं जा रहे हैं वाजपेयी सर जी के बिल्डिंग पे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे क्षेत्र के हैं, बेलवा के रहने वाले हैं। हाँ। और उन्होंने इंडस्ट्रीज का आज इतना बड़ा अभिनेता है। इधर वाजपेयी सर इधर घूमने के लिए आते थे क्या पहले, मतलब जब यहाँ पढ़ते लिखते थे तो उस जी समय? जी हाँ। उनका बचपन यही गुजरा है। हाँ। यही उनका परवरिश हुआ है। कैसे उनको कलाकारी का आस लगा, जाग उनको जगा कि हम कलाकारी करेंगे, उन्होंने निकला यहाँ से और पहुँचे। बहुत उन्होंने किया, मेहनत परिश्रम उन्होंने किया जी, बहुत परिश्रम किया उन्होंने, बहुत मेहनत किया है। तो सर आज इस मुकाम पर हैं कि हम सब चंपारण वासी भितियारवा आश्रम के हम लोग हैं, बहुत खुश हैं सर हम। चलिए, तो जी जी, अच्छा उनके कलाकारी को हम लोग जब देखते हैं तो उन्हें प्रणाम करने की इच्छा हो जाती है। सही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। बोलिए। जैसे मान लीजिए आपके गांव के ही रहने वाले हैं जी, जी तो आप लोगों को कैसा प्रतीत होता है आपके बीच का आपका अपना भाई जो है मुंबई में सेटल है और एक अच्छे कलाकार हैं? आपने बहुत बड़ा ये प्रश्न किया, लेकिन सर बहुत उत्सव होता है इधर के पब्लिक लोगों को कि जब उनका कोई फिल्म हिट करता है या उनका कोई बर्नय होता है तो सभी लोगों के दिल में जैसे दिवाली के पटाखा जलता है, खुलता है। जब वो आते हैं तो आप लोग मिलने के लिए जाते हैं जी? अच्छा अच्छा, आते हैं तो सभी लोगों से मिलते हैं। अच्छा अच्छा, अरे मनोज वाजपेयी जी ये हमारे परिवार के हिस्सा हैं। वाह, सही। टीपी वर्मा कॉलेज से पढ़ के जाए हैं। कौन सा कॉलेज? टीपी वर्मा कॉलेज। अच्छा, उसमें वो पढ़े हैं? वो पढ़े हैं। अच्छा, टीपी वर्मा। हाँ हाँ जी जी, नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज। अच्छा अच्छा, से पढ़ के गए हैं। अच्छा अच्छा, उनके साथ हम लोग खुद स्टूडेंट विद्यार्थी भाई हैं।
अच्छा एक साथ ही रहे जी, उनके साथ पढ़े लिखे हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो साथियों, मनोज वाजपेयी सर जी का ये पीछे बिल्डिंग है, देख सकते हैं कच्चा मार्ग जो गया है ट्रांसफार्मर होते हुए, ये पीछे वाला बिल्डिंग है। और वाजपेयी सर के जो बाबा थे वो सभी लोग जुड़वा थे आपस में। और ख़ास बात यह है कि मनोज वाजपेयी सर जी के तीन भाई तीन बहन हैं, और एक भाई दिल्ली में साइंटिस्ट हैं, एक भाई जो है कि इंटरनेशनल किसी कंपनी में अपना जॉब कर रहे हैं, और मनोज वाजपेयी सर खुद जो अभिनेता हैं। खास बात यह है कि मनोज वाजपेयी सर जो है एक ज़मींदार घराने के हैं, और उनके पुरखे जो है कि काफ़ी धनाढ्य हैं, काफ़ी धनाढ्य रहे, काफ़ी धनाढ्य थे। और ये पूरी जो ये प्रॉपर्टी दिख रही है, पूरा ये जो प्लाट दिख रहा है, पूरा ये जो इधर जो भी ज़मीन आपको दिखाई देगी, ये पूरा मनोज वाजपेयी सर जी का और उनके खून खानदान के लोगों का ही है। और हालांकि उनकी माँ का तबीयत ख़राब है, इसलिए हम उनसे नहीं मिल पाए, और वो कंप्लीट बेड रेस्ट डॉक्टर ने कहा है, इसलिए वो अंदर हैं। और मनोज वाजपेयी सर जो है कि अभी नेपाल में शूटिंग के लिए आए थे, तो वो शूटिंग करके और फिर 10 दिन यहाँ रहे निकल गए। फैन फॉलोइंग उनकी इतनी तगड़ी है कि लोग बता रहे थे, जो उनके बचपन के मित्र वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि जब उनके इस बिल्डिंग में, जो ये बिल्डिंग दिख रहा है, इस बिल्डिंग में जब वो रहते थे तो यहाँ भीड़ लग जाती थी। जब भीड़ लग जाती थी तो वो अपने लोगों को कहते थे कि आप लोग, एक इनका बाज़ार भी है, बाज़ार उस साइड में लगता है, इसी बिलवा जो गांव है, अमोलवा बिलवा जो गांव है, वहीं एक चौराहा है, वो बाज़ार मनोज वाजपेयी सर जी का ही है। तो बाज़ार में चले जाते थे तो लोग पूरी भीड़ वहाँ इकट्ठी होकर के मनोज वाजपेयी सर जी से मिलती थी, उनके साथ चाय वगैरह लोग पीते थे, और फिर वहाँ से मनोज वाजपेयी सर आते थे। तो जितने दिनों तक वो रहते हैं तो लोग मिलने के लिए, मनोज वाजपेयी से मिलने के लिए लोग आते रहते हैं। और मनोज वाजपेयी सर कभी नहीं कहते थे कि इनको मुझसे न मिलने दो, कभी ऐसा उन्होंने नहीं कहा, अभी जो मित्रों ने भी बताया। और काफ़ी जो है कि हृदय के अच्छे व्यक्ति हैं, और फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में जो है कि स्थापित भी हैं, और साल में लगभग एक बार अक्सर जो है कि ठंडी में या फिर जो है कि गर्मी का जब मौसम जब शुरुआती दौर में शुरू होता है तो उस समय वो साल में एक बार जो है आते हैं अपने घर। और अभी भी आए थे तो उन्होंने कहा कि मतलब हम जो है हर साल आने का प्रयास करेंगे, और अपने माँ बाप के साथ, हालांकि पिताजी उनके नहीं हैं, लेकिन माँ के साथ और भाइयों के साथ जो है रहने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटी सी जो है कि उनके कहानी को मैंने शूट कर पाया। तो साथियों, ये मनोज वाजपेयी सर जी का ये पूरा घर है, देख सकते हैं बहुत तगड़ा जो है कि ये मकान है, और ऐसा बिल्डिंग पूरे अमोलवा बिलवा जो गांव है, बिलवा कोठी के नाम पर इस कोठी को जाना जाता है, जब भी आप आएँ तो बिलवा कोठी कह के आएँ, इस तरह का बिल्डिंग जो है कि पूरे इस इलाके में नहीं है। तो साथियों, आज का ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कम से कम एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हृदय को छू गया हो, तो साथियों कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ये ब्लॉग वीडियो ही समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों को पुनः एक बार फिर से नमस्ते, सलाम, आदाब।